समय आ ही गया जब कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंगें पल भर में गिर के ध्वस्त हो जाएंगी। नोएडा के सुपर टेक टावर के पास एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विजिलेंस सोसाइटी ने लगभग 5000 निवासियों को बिल्डिंग गिरने से पहले वहां से निकाल लिया। उन निवासियों के रहने के लिए एक अलग से जगह तैयार की गई है। आज विध्वंस दोपहर 2:30 बजे होने वाला है, उससे पहले सभी निवासियों को निकालकर एक अलग से जगह बनाई गई है जहां पर उनके रहने का इंतजाम किया गया है। इतना ही नहीं, गैर सरकारी संगठनों ने भी परिसर में कुत्तों के बचाव के लिए एक अलग से टीम बनाई है। ये टीम कुत्तों को उस जगह से हटा रही है जिसको हाई अलर्ट जगह बताया जा रहा है। निवासियों को सेक्टर 93 में पारसनाथ प्रेस्टिव आवासीय परिसर में रहने की जगह दी गई है। विध्वंस अभियान के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोपहर 2:15 से 2:45 के बीच में बंद रहने वाला है। शहर में ड्रोन के लिए नो फ्लाइंग जोन भी बनाई गई है। नोएडा प्राधिकरण के अनुसार विस्फोट के ऊपर एक समुद्री मील के दायरे में हवाई क्षेत्र भी विध्वंस के समय उड़ानों के लिए कुछ समय के लिए अनुपलब्ध रहने वाले हैं। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावरों के बामुश्किल आधा किलोमीटर दूर पास में ही एक आवासीय परिसर में निवासियों को रविवार को रुकने के लिए उन इमारतों में उनका स्वागत किया गया है। रविवार को सुबह सुपरटेक एमराल्ड कोर परिसर में कारों का प्रवाह हुआ जो कि दोनों टावरों में से एक हिस्सा है, और पड़ोसी एटीएस ग्रीन विजिलेंस अंतिम श्रेष्ठ निवासियों के रूप में विध्वंस से पहले अपने घरों को खाली कर दिया है। ज्यादातर निवासियों ने पिछले रात को ही अपना घर छोड़ दिया था। इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इस बारे में जरा जानते हैं विस्तार से। Seven CCTV cameras that is being monitored inside that mission command center. We have experts from learning, two personnel. They are using their laptops and live updates about traffic diversions and traffic condition points. Other than that, we have one expert from radio department who is going to help us with their communication. We use radio communication. So, by instant subcommanders, they will also communicate with me through radio communication. And by 2:30, the demolition is going to happen. So, before that, I will be taking OK signal from all the instant subcommanders. And also, we are going to monitor the help of CCTV cameras. So, that also aids in the evacuation. Okay, at the initial what were the last few steps like before the demolition? Right before demolition, 6 people will be taken out, and occasionally will be taken from all the instruments of commanders. Then there is an initiation point which is maybe around 120 meters away from the twin tower. There I will be present. After I take OK signal from all the instruments of commanders, then I will give an OK signal to the last team, then counter. Where is the last team? That usually depends on the wind direction. Though we have identified the place as of now, which is around 120 meters away from the wind tower, which you cannot see right now because you are 450 meters away from that place. That is identified and that is secured. Nearby that we have an instant command post. So I will be present at that post. I will take footage of that instant command post and send it. किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए सुपरटेक ट्विन टावर के बगल में एक ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किया गया है। इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा भी कर दी गई है। एम्बुलेंस की सुरक्षा भी पुख्ता कर दी गई है। यहां तक कि उस पूरे इलाके में मीडिया कवरेज जो होगी, उस मीडिया कवरेज के लिए भी एक अलग से कॉरिडोर बनाकर तैयार कर दिया गया है। ट्विन टावर के परिसर से 2 से 3 किलोमीटर दूर तक किसी को भी आना अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि ट्विन टावर के बगल में जो भी इमारतें हैं, उन इमारतों में रहने वाले लोगों को पहले से ही चेता दिया गया है। यूपी पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के अनुसार ट्विन टावर की बगल वाली इमारतों में रहने वाले लोगों को अपने बालकनी में आना भी अलाउड नहीं है। अगर किसी को उनके बालकनी में देखा जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि ट्विन टावर के पास नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है। इसका मतलब ये कि ड्रोन तो दूर, वहाँ पे कोई फ्लाइट उड़ना भी अलाउड नहीं है।
नोएडा सेक्टर 93 सुपरटेक ट्विन टावर के पास होने वाली पल पल की हलचल की अपडेट्स आपको देता रहेगा जनसत्ता। आप बने रहें हमारे साथ।